हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक नया प्रोजेक्टर खरीदने की सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि मैं कौन सा प्रोजेक्टर खरीदूं जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा प्रोजेक्टर आपके लिए बना है जिसको यूज़ करके आप ईजिली आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से हम उस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज हम उस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो हमने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था और आज वो फाइनली हमारे पास आ चुका है। और उस प्रोजेक्टर के बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो सारी मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें कौन कौन से क्या क्या उसका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही वो प्रोजेक्टर मैंने क्यों बाय किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ उस प्रोजेक्टर का क्या नाम है। उस प्रोजेक्टर का नाम है EG6X नेटिव HD प्रोजेक्टर, जो कि पूरी तरीके से आप इसमें HD में सारी कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें हैं वो अब हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रोजेक्टर की मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा क्या चीज़ वहाँ पे कैसे क्या काम करती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको भी यही प्रोजेक्टर जो मैंने खरीदा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कीजिए आपको कीजिए और साथ ही अगर आपको पसंद आता है तो आप भी मेरी तरह जो मैंने प्रोजेक्टर खरीदा है आप वो खरीद सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बताऊँ उसकी। ये है हमारा EG6X नेटिव प्रोजेक्टर जो HD एकदम प्रोजेक्टर है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की करने वाले हैं, अब हम इसको अनरैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमें ये हमारा प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है और उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ आपको एक ये रिमोट देखने को मिलता है जो कि इसको आप इजी टू यूज़ है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इसको आप अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पे सारे बटन अवेलेबल है और साथ ही कुछ इसी तरीके का बटन आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर के ऊपर भी देखने को मिलेगा, वो मैं अभी आपको शो करूँगा। और फिर इसके साथ हमें और भी क्या चीज़ें मिलती है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पावर केबल देखने को मिलेगा, DMI केबल जो यूज़ करेंगे हम। तो अब बात आती है हमारे प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये प्रोजेक्टर देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो ये फ्रंट में ये इसका एक कवर है, जिसके पीछे जब आप इस कवर को हटा दोगे, जब मैं इस कवर को हटाऊंगा तो इसका देखिए ये लेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो लाइट पास होगी, यहाँ से जो आप जिस भी पर्दे पर प्रोजेक्टर को शूट करना चाहते हो वो वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके थ्रू आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कितना इसका बहुत अच्छा इसका लुक देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम इसके आगे की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ ये ऑपरेटिंग बटन्स है, इसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हो और जैसे कि मैंने बताया था रिमोट से भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन ये आपको देखने को मिल रहा होगा और साथ ही फिर ये सारे कुछ और बटन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ये जो देखने को मिल रहा है इसमें VAG केबल्स लगती हैं। इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो VAG केबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो और साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ऑडियो है जिसके थ्रू हम कोई भी ईयरफोन अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू ये दो ऑडियो होते हैं हमारे। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे HDMI केबल लगता है, जो कि HDMI केबल आप यहाँ पे लगा सकते हो और साथ ही यहाँ पे ये जो दो हैं ये हमारे USB केबल के लिए यूज़ होते हैं। और वैसे ये आपको जो देखने को मिल रहा होगा
ये कूलिंग सिस्टम है, यहाँ से जितना भी जो अंदर गर्माहट होगी वो सारी यहाँ से कूलिंग के थ्रू बाहर निकलेगी। और अगर हम इसके ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी अगर हम बात करते हैं, तो ये प्लास्टिक का है, बट इसमें बहुत ही अच्छे से जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है प्लास्टिक। बट इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें आप इजी अच्छे से पकड़ सकते हो, और इसका जो वेट है वो भी हालांकि ज़्यादा नहीं है। और आप इसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पर भी इस प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करोगे, तो जिस भी पर्दे पर आप इसको दिखाना चाहोगे, तो ये 200 इंचेस तक ये फैल सकता है, 200 इंचेस तक आप इसका बढ़ा सकते हो, और जितना पीछे आप ले जाओगे उतना ये इसकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है। जो रेजोल्यूशन है वो 1280x720p के रूप में आपको देखने को मिलती है, और साथ ही ये HD में आपको सारा कुछ देखने को मिलता है, जो कि एक इसकी बेस्ट बात है। और जो हमारा मेन इसमें चीज़ है कि इसका प्राइस क्या है, ये सोच होंगे इसका प्राइस क्या है, तो गाइस मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 490 रुपये का हमें ये पड़ा है। तो अगर आप भी ये ख़रीदना चाहते हैं, आपको भी इसके जो मैंने फीचर्स आपको बताए हैं, अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दूसरा भी पसंद आता है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाइए चेकआउट कीजिए, आपको जो भी पसंद आता है आप खरीद सकते हैं। तो आज की फ्रेंड्स में गाइज बस इतना ही, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्रोजेक्टर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आपको मैं बता दूँ, इस चैनल पर हम तरह तरह की इस तरह की कई सारी वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम हर एक कई सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और साथ ही हम जो प्रोडक्ट का रिव्यू भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आप ये चैनल चेकआउट कर सकते हो अच्छे से हर एक वीडियो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।